ओके हेलो एवरीवन, आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। बेटा आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक हफ्ता बचा है, अब सिर्फ एक हफ्ता है एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के पास, और एक हफ्ते में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स, पहले मैथ्स देखेंगे, फिर आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें आपकी इंग्लिश भी है और जीएस भी है, उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैथ्स। अच्छा, अब ये चीज़ मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है, अब उनको लास्ट मोमेंट में कैसे रिवीजन करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटा सी, एज वी ऑल नो कि अगर आप 50% मार्क्स भी ले आओ मैथ्स में, अगर आउट ऑफ 300 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आप 150 भी ले आओ सो यू विल क्वालिफाइड, ठीक है। वैसे तो 25% मार्क्स आर द क्वालिफाइड मार्क्स। तो बेटा 50% का मतलब है, अगर आप सिर्फ क्लास 11th की मैथ्स अच्छे से कर लेते हो तो आप इजिली एनडीए का मैथ्स वाला पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कुछ चैप्टर्स लिख लेता हूँ, 11th क्लास का अगर मैं कुछ चैप्टर्स लिखूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आप अच्छे से कर लेना। सेट्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन 12th वाला भी कर लेना आप, ठीक है। रिलेशन फंक्शन 12th वाला भी कर लेना। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलता जुलता हाइट एंड डिस्टेंस है। हर साल 2 क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के देखेंगे, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस। उसके अलावा यू हैव बाइनोमियल, बाइनोमियल इज इम्पॉर्टेंट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज इम्पॉर्टेंट बेटा, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आगे प्रोबेबिलिटी को ईजी बनाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सारा 11th का बता रहा हूँ मैं आपको, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके अलावा आप कर सकते हैं सीक्वेंस इन सीरीज, एपी जीपी एचपी। उसके अलावा आप 2D कर सकते हैं, ठीक है, 2D ज्योमेट्री कर सकते हैं। आप कोनिक सेक्शन छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोनिक सेक्शन, क्योंकि थोड़ा सा उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और बच्चे को याद करने में मुश्किल हो जाता है, तो यू कैन लीव कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो क्लास 11th के हैं, वैसे तो और भी चैप्टर्स हैं लेकिन इतने कुछ जो क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक और ऐड करूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी यू कैन टच ऑफ बोथ 11th एंड 12th, ठीक है। और इस प्रोबेबिलिटी को अच्छा करने के लिए आपने प्रोबेबिलिटी के बेटा 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, वेरी करता है, आप 4 क्वेश्चन तो मान के चलिए मैक्सिमम पक्का आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी 11th एंड 12th दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को अच्छा करने के लिए योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुड बी साउंड, ठीक है। और 12th के अगर मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स और टच करूँ आपके साथ, तो 12th में अगर स्पेसिफिक मैं 12th के कुछ चैप्टर्स की बात करूँ, तो 12th में आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। उसके अलावा आप वेक्टर्स कर सकते हैं, वेक्टर्स, अगर आपको वेक्टर्स आ गया तो बेटा आपके लिए 3D बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलस, अगर किसी का कैलकुलस इजी है, अगर किसी को कैलकुलस अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, अगेन कैलकुलस का काफ़ी वेटेज है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो छोड़ना चाहता है वो कैलकुलस छोड़ भी सकता है बेटा, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगेन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए। आप ये लगा लीजिए कि हर एक चैप्टर से मैथ्स के कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकुलस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन बच्चे को नहीं आता है वो लास्ट मोमेंट में कैलकुलस बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि बहुत वैरायटी है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो आपको आनी चाहिए। तो कैलकुलस ना देखिए, ठीक है। वेक्टर्स 3D देख सकते हैं, जिसको ये टफ लगता है वो कैलकुलस देख लें, जिसको कैलकुलस टफ लगता है वो वेक्टर्स या 3D देख लें, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स जो मैंने 11th एंड 12th के लिए बच्चों के लिए कन्फाइंड करे हैं, ये कुछ चैप्टर्स आप करिए। अब लास्ट वीक बचा है तो कैसे करेंगे बच्चे, ठीक है। रिवीजन सेट्स के कुछ 3-4 अच्छे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लो, तो सेट्स का रिवीजन जाएगा। वैसे रिलेशन एंड फंक्शन, वैसे हर एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस बेसिक फंडे को समझ के, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर जनरल एबिलिटी टेस्ट। अच्छा, एज फार एज दिस पर्टिकुलर पेपर इज कंसर्न, GAT जिसको हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, GAT, ठीक है, ये आपका टोटल 600 मार्क्स का बेटा, जिसमें जनरल स्टडीज प्लस इंग्लिश है। जनरल स्टडीज़ का मतलब इसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है। बच्चे कैसे करेंगे इसकी तैयारी, 600 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले बेटा फिजिक्स
कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो फिजिक्स, मैंने आपसे पहले कहा है कि ट्वेल्थ की कोर फिजिक्स नहीं आती, आप इलेवेंथ लेवल की फिजिक्स तैयार कर सकते हैं और उसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं बेटा वो आप अलग से उसके एक नोट्स बना लीजिए। फॉर्मुलेटिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे और बहुत ही सरफेस लेवल पे, ठीक है। जैसे यू हैव टू फाइंड करंट, ठीक है, रेजिस्टर दिया होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, KCL KVL लगाने के लिए आएगा एग्जाम में, उसके अलावा पावर ऑफ ए लेंस, तो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आने वाले हैं। इलेवेंथ की अगर आप NCERT फॉलो करोगे, जितने भी फॉर्मुलेज हैं लिस्ट बनाओ, एक एक न्यूमेरिकल्स करो, इनफ है, ठीक है। और कुछ फिनोमिना आएंगे जनरल फिजिक्स के, ज़्यादा नहीं। केमिस्ट्री अप टू द लेवल ऑफ 10th आप करिए बेटा, ठीक है, बहुत ही जनरल है, बहुत ही सब्जेक्टिव है, ठीक है। लाइफ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अप टू द लेवल ऑफ 10th करो आप, ठीक है, इसमें आपका सारे एरिया कवर हो जाएगा। अप टू द लेवल ऑफ 10th आप जल्दी से रिवाइज करना, ठीक है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं उनके लिए तो सिर्फ रिविजन काफ़ी है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बनाए उनके लिए रिविजन काफ़ी है। उसके अलावा GS है, उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हम लोग तैयारी करें, एक हफ्ता बचा हुआ है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, अब आप क्या करो, अब आप करंट अफेयर से इन सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट करो। इवन यू कैन रिलेट केमिस्ट्री, इवन यू कैन रिलेट लाइफ साइंस, इवन यू कैन रिलेट ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो सकता है, वो लोकसभा के इलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में जैसे रिसेंटली PM ने अभी एक सेला पास टनल इनॉग्रेट किया अरुणाचल प्रदेश में, तो सेला पास कहाँ है, वेर इज सेला पास, दैट कैन बी आस्क्ड इन ज्योग्राफी। सेम गोज फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, जलियांवाला बाग के 100 साल पूरे हो चुके हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड फिर स्टैटिक डेटा देखो कि करंट अफेयर में क्या आया है और उससे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को रिलेट करो। इवन लाइफ साइंस, ठीक है, जो भी बायोलॉजी के फील्ड में जो भी चीज़ें एडवांस हुई हैं आप उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो बेटा इन दिस वे यू कैन कम्प्लीट योर सिलेबस इन अ वीक, और मैथ्स के लिए खासकर प्रैक्टिस आप जितनी मैक्सिमम करोगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा टाइम इज़ द मेन थिंग, आपको विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम यू हैव टू कम्प्लीट योर फुल एग्जाम, ठीक है। तो अगर बच्चों को मैथ्स आती है सिर्फ तो उतना काफ़ी नहीं है, बच्चों की स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ने ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी मैथ्स की, ठीक है बेटा। चलो फिर एट लास्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स।